आज मैं आप सभी लोगों के लिए चाशनी वाली गुजिया बनाने जा रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है छोटी इलायची, खोया, घी, मैदा और चीनी। और एक कटोरी से कम मैंने ली है सूजी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं डालूंगी खोया। खोए को कुछ देर के लिए मैं फ्राई कर लूंगी और डालूंगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब चीनी पिघलने तक मैं इसे चलाऊंगी और फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। तो खोया और चीनी इसमें मेल्ट हो रहा है और अब मैं डालूंगी इसमें सूजी। सूजी को मैं इसी में रोस्ट कर लूंगी। आप चाहें तो सूजी को पहले से भी रोस्ट करके रख सकते हैं। और अब मैं डालूंगी कटी हुई करी। चिरौंजी, कुटी हुई छोटी इलायची, अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। गुजिया भरने के लिए स्टफिंग तैयार है। अब चाशनी बनाने के लिए मैं डालूंगी पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। डालूंगी चीनी। अब चीनी घुलने तक मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी और बीच बीच में चलाती रहूंगी। गुजिया बनाने के लिए मैं मैदे का डो बनाऊंगी। मैंने लिया है मैदा और डाला है घी, जो मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और आपका मोयन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी। तो गुजिया बनाने के लिए डो तैयार है। और इस कटोरी में मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर। और आप देख सकते हैं चाशनी में अच्छे बबल्स आ रहे हैं। और मैं देख लेती हूँ कि चाशनी कैसी बन रही है। और थोड़ा सा मैंने मैदे का डो निकालकर उसमें फूड कलर मिलाया है। फ्लेम को मैंने स्लो रखा है और कढ़ाई में डाला है घी गरम होने के लिए। अब मैं रोल के आकार में इसे हाथों से बढ़ाऊंगी इस तरीके से।
और अब मैं इसे चाकू की हेल्प से इसके टुकड़े कट करूंगी। और इसी तरह से मैं फूड कलर वाले डो का भी रोल बनाऊंगी। इसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूंगी। अब इस तरह से मैं इसे बेल कर बढ़ा लूंगी। और इस रोल को मैं इसके बीच में रखकर इसे फोल्ड करूंगी। और इस तरफ से मैं इसे अच्छी तरह से चिपका दूंगी। अब इसी तरह से मैं इन्हें बनाकर रख लूंगी और चाकू से मैं इसके कट करूंगी। आप इसी तरह से इसके पीसेस को कट कर लीजिए। तो गुजिया बनाने के लिए लोई तैयार है। और अब मैं इसकी पूड़ियां बनाऊंगी स्टफिंग भरने के लिए। और सारी पूड़ियां मैं इसी तरह से बेल लूंगी। अब सभी पूड़ियां बेलकर तैयार हैं स्टफिंग भरने के लिए। अब इस पूड़ी की किनारी में मैंने लगाया है पानी और डालूंगी स्टफिंग। और अब इसे किनारे से चिपकाते हुए मैं इसकी गुजिया बनाऊंगी। और इसी तरह से मैं सभी गुजिया बनाकर रख लूंगी। आप गुजिया की स्टफिंग इस तरह से बनाएंगे तो आपकी गुजिया कढ़ाई में फूटेंगी नहीं। आप सभी गुजिया भरकर तैयार हैं और आप इन्हें किसी भी डिजाइन में बना सकते हैं। घी गरम हो चुका है और अब मैं एक एक करके इसमें डालूंगी गुजिया फ्राई होने के लिए। और सभी गुजिया फ्राई हो जाने के बाद मैं इन्हें निकाल लूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि गुजियों का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और इसी तरह से मैंने बची हुई गुजिया भी इसमें फ्राई होने के लिए डाल दी हैं। और अब मैं इन गुजियों को इस चाशनी में डालूंगी जो चाशनी मैंने बना कर रखी है। और एक एक करके
मैं सभी गुजिया पलट दूंगी। आप जब गुजिया चाशनी में डालें तो आपकी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। और लगभग 2 मिनट के बाद मैं इन्हें इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये गुजिया भी फ्राई हो रही हैं और इनका भी कलर चेंज हो गया है। अब मैं इन्हें भी पलट देती हूँ। और अब ये गुजिया भी फ्राई होकर तैयार हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। और अब मैं इन गुजियों को भी इसी चाशनी में डिप करूंगी। अब इन्हें भी मैं एक एक करके पलट दूंगी। आप चाहें तो इसकी चाशनी थोड़ी और गाढ़ी बना सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो। और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो सभी गुजिया मैंने चाशनी से निकाल ली हैं। गार्निशिंग के लिए मैं डालूंगी कटे हुए काजू। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। ये गुजिया भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।